नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद में कांग्रेस कमेटी के एक वर्ष में पूर्व केलिया शोल प्रखंड के अंतर्गत संतोष सिंह जिला अध्यक्ष धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी का एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में केलिया शोल कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष रामकृपाल गोस्वामी की अध्यक्षता में जोरदार स्वागत किया गया और कांग्रेस को मजबूती हेतु मंथन किया गया। साथ ही केलियासोल प्रखंड में बूथ स्तर पर कार्य करने को लेकर चर्चा हुई। संघ उपस्थित निरसा प्रखंड प्रभारी वकील बाउरी, संतोष राय जिला महासचिव, बबलू दास जिला सचिव, श्यामल भंडारी जिला सचिव, रहीश अंसारी, उमेश कुमार, राजू गोस्वामी, सपन बाउरी, रामजी चौहान, चत्रबली भुया, महेंद्र साहनी, नीलू बाउरी, दिलीप बाउरी, राजेश महाराज, बजे भुया, उमेश कुमार, राजू गोस्वामी, सपन बावरी, जोगेश प्रसाद रजक, अब्दुल मजीद संग सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित हुए। आइए जानते हैं संतोष सिंह ने क्या कहा। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। चार राज्यों पे जो चुनाव हुआ और चुनाव में सर परिणाम अच्छा खासा नहीं रहा कांग्रेस के लेकर, इसको कुछ कुछ मुद्दों सब बोले सर, कहां चूक है इस पार्टियों में सर? आज जो चार राज्य में चुनाव हुआ है, चार राज्य में से हम लोग नील नहीं है, एक राज्य हम लोग भी लिए हैं, लेकिन कुछ इसमें खिलाफ हुआ है और हम लोग मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा हम लोग हताश नहीं हुए, हार से हम लोग हताश नहीं हुए हैं और इसका परिणाम हम लोग 2024 में जरूर दिखाएंगे। धरती पर इतनी बड़ी कार्य हो रही है सर, क्या कुछ कहेंगे? और चुनाव को लेकर जो चार राज्यों में और परिणाम अच्छा नहीं रहा, थोड़ा सा दो सब सर संक्षेप में बताएं। दस सर्वप्रथम तो हम केलियासोल के आम जनता और हमारे धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष माननीय संतोष सिंह जी और सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आज कांग्रेस का ये जो माना जाए कि बहुत बड़ी कार्यक्रम है, क्योंकि आज जैसे ही हमारा जिला अध्यक्ष का एक साल पूरा हुआ, उसी के साथ पहली बार सर्वप्रथम एक साल पूरा होने के उपरांत सर्वप्रथम पैर हमारा जिला अध्यक्ष का केलियासोल प्रखंड में पड़ा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, जहां तक आपने बताया कि अन्य राज्यों में चुनाव, ये सारा मोदी जी का भी जो प्रोपेगेंडा चल रहा है ना, वो ईवीएम का खेल है, इसको इसमें मत जाइए। जनता जो अपना जिधर अपना कांग्रेस की तरफ जितना डेडिकेशन है वो बनाए रखिए, आने वाला समय में हम झारखंड भी जीतने जा रहे हैं और बाकी जगहों पे भी हम विजय घोषित होंगे। आपके नेतृत्व में इतनी बड़ी कार्य हो रही है, यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया सर, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर आप दो शब्द? इसमें कहेंगे कि इसको हमको बहुत बड़ा जिम्मेवारी मिला, इसके लिए हम लोग मुस्तैदी से काम करना है। पहले प्रखंड के स्तर पर अपना टीम को गठन करेंगे, उसका बाद हम सब दरवाजा जाएंगे और उसका बाद सबको बांट देंगे कि कहाँ काम करेगा, क्या कहाँ करेगा, सबको देखना है और हम लोग उसको मॉनिटरिंग करते रहेंगे। सर, कांग्रेस पार्टी को किस तरह आगे बढ़ाया जाए, क्या रणनीति हो रही है अभी सर यहाँ पर? रणनीति यही है कि सबके माने समझाना पड़ेगा, सबको समझाना पड़ेगा तुम क्या कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो, तो देखो हाँ सही रास्ता में आओ, कैसे भी देश का उन्नति होगा, नहीं तो नीचे चल जा रहा है। बस सर, आज नए प्रखंडों द्वारा आपका आज तेतुलिया मोड़ पर जोरदार स्वागत किया, क्या कुछ कहेंगे इन लोगों को सर? आज देखिए, आज सबसे खुशखबरी दो चीज़ का है, एक है कि केलियासोल और ग्यारकुंड में दो यहाँ पर निरसा क्षेत्र से जो नया प्रखंड बना था, दोनों प्रखंड में दो नया अध्यक्ष की नियुक्ति हमने किया है और हमारे रामकृपाल गोस्वामी जी केलियासोल के प्रखंड अध्यक्ष हैं और जियावल जी हैं ग्यारकुंड के, जो आज नहीं है वो किसी व्यक्तिगत कारणों से रांची में है। और आज मेरे दूसरा धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष के नाते आज मेरा एक साल पूरा हो रहा, इसके लिए भी यहाँ के तमाम कार्यकर्ताओं के प्रति आभार हूँ, यहाँ तमाम नेताओं का कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मेरे आगमन पर स्वागत किया और हमारे अध्यक्ष का भी स्वागत किया। सभी लोगों को बधाई मेरे तरफ से और हम लोग यही एक संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी तीन राज्यों में चुनाव भले हार गई, एक राज्य हम जीते भी हैं,
लेकिन हमको चुनाव के नतीजों से निराश जरूर है, हताश नहीं है। कांग्रेस पार्टी संघर्ष, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता संघर्ष का प्रतीक है। देश की आज़ादी से लेकर के आज तक हम लोग लड़ाई संघर्ष करते ही रहे हैं और दुगना ताकतों से। हम सभी कांग्रेस के जो लोगों को हम संदेश देना चाहते हैं कि पूरी दुगना ताकत के साथ हम लोग जमीनी स्तर पर और बूथ स्तर पर कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें। आने वाला समय हम लोगों का धनबाद में होगा और निश्चित होगा, क्योंकि धनबाद में संगठन कांग्रेस का पार्टी ने खड़ा किया है, मजबूत संगठन खड़ा किया है, पहले भी था और हम लोग तेज गति से कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और कलियासोल में वर्षों से मेरा खाली था और ग्यारकुंड में वहाँ पर हमने प्रखंड अध्यक्षों को नियुक्ति किया है और हम उम्मीद कर रहे हैं तमाम संगठन के लोग जहाँ जहाँ मुझे जिला अध्यक्ष के रूप में बुलाएंगे और आमंत्रित करेंगे तो मैं हम इन लोगों के साथ पंचायत स्तर पर भी समय देने के लिए तैयार हूँ। और हम लगातार पूरे जिले में काम कर रहे हैं और हम मेरा मुख्य फोकस है निरसा विधानसभा पर। निरसा में 3 प्रखंड और 1 नगर है। हम पूरे निरसा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को मजबूत कैसे करें, इस पर हम लोग बैठकर रणनीति बना रहे हैं।